नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईडी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आई नजर डालते हैं खबर की ओर। 45 एनकाउंटर करने वाले पुलिस अधिकारी जिनके नाम से थर्राते हैं चंबल के डकैत, लेकिन अब खुद थाने में लगा रहे हैं गुहार। भिंड के अमायन के व्यक्ति ने ठगी कर 5 लाख हड़पे। मध्य प्रदेश के चंबल इलाके में केडी सोनकिया उर्फ केशव दास सोनकिया, ऐसा नाम है जिसे सुनते ही एक व्यक्ति खूंखार डकैत कांप जाया करते थे, जिसकी धमक से ही डकैत अपना रास्ता बदल लिया करते थे और जिसके आगे बड़े बड़े बदमाश टिक नहीं पाते थे। मध्य प्रदेश के चंबल इलाके में एक समय सुपर कॉप रहे केडी सोनकिया अब खुद ही ठगी का शिकार हो गए हैं। बात थोड़ी हैरान कर देने वाली है। जिसने भी यह बात सुनी वह भी दंग रह गया कि आखिर यह कैसे संभव है। जिंदगी भर जिस सुपर कॉप का बदमाशों से पाला पड़ा, वह कैसे खुद ही बदमाशों के चंगुल में फंस गया। दरअसल इस ठगी की पूरी कहानी साल 2017 में सितंबर के महीने से शुरू हुई थी। पुलिस विभाग से रिटायर्ड केडी सोनकिया इन दिनों ग्वालियर में थाटीपुर थाना इलाके के गुलाबचंद की बगीची में रहते हैं। सितंबर 2017 में केडी सोनकिया की मुलाकात भिंड जिले के इलाके में रहने वाले राजकुमार शर्मा से हुई थी। राजकुमार शर्मा भिंड का निवासी है, लेकिन वह वर्तमान में अहमदाबाद में निवास करता है। राजकुमार शर्मा ने केडी सोनकिया को बताया कि उनका एक सहयोगी जिसका नाम धर्मेंद्र भाई कांति भाई पटेल है, वह अहमदाबाद में 200 फ्लैट बनाने के एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। अगर मुनाफा कमाना है तो इस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर दे, जिससे मोटा मुनाफा होगा। राजकुमार ने केडी सोनकिया से 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए कहा, लेकिन सोनकिया ने राजकुमार को बताया कि इतनी बड़ी रकम फिलहाल उनके पास उपलब्ध नहीं है। जब राजकुमार ने केडी सोनकिया को बार बार इन्वेस्ट करने के लिए कहा तो केडी सोनकिया ने 5 लाख राजकुमार को दे दिए। यह रकम चेक के माध्यम से दी गई थी, लिहाजा धर्मेंद्र भाई कांति भाई पटेल की तरफ से एक एग्रीमेंट भी केडी सोनकिया को दिया गया था। समय बीता गया और केडी सोनकिया प्रॉफिट का इंतजार करते रहे, लेकिन जब कुछ समय पहले केडी सोनकिया ने अपने 5 लाख रुपए और उस पर मिले प्रॉफिट को वापस मांगा तो राजकुमार समेत उसका सहयोगी पैसे देने में आनाकानी करने लगा। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे सीआईडी न्यूज।